बिहार के बुहान बने सिवान के लिए एक अच्छी खबर है, और वह खबर अच्छी यह है कि सिवान में जिस व्यक्ति के संक्रमण से लगभग 23 लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव हुए थे, वह व्यक्ति का दूसरा टेस्ट निगेटिव आया है। साथ ही साथ अभी तक 781 टेस्ट के लिए जो सैंपल भेजा गया था 29 को छोड़कर सभी निगेटिव हैं। यह पूरी जानकारी सिवान के सिविल सर्जन यदुवंश कुमार शर्मा ने दिए। उन्होंने बताया कि जिस युवक के द्वारा संक्रमण ज़्यादा फैलाया गया था उस युवक का सेकेंड रिपोर्ट निगेटिव आया है। साथ ही साथ अन्य सभी संक्रमित लोगों की रिपोर्ट 6 से 7 दिनों के अंदर भेजे जाएंगे, बाकी सभी लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। देखिए सिवान से आकाश की रिपोर्ट। सिवान से एक अच्छी खबर 3 दिन के बाद आई है, और वह यह है कि सिवान में जो 44 मरीजों के सैंपल सिवान से भेजे गए थे जांच के लिए, वो 44 के 44 निगेटिव आए हैं। यानी कोरोना पॉजिटिव मरीज सिवान में आज एक भी नहीं बढ़ा है। ये सिवान के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है और सिवान वासियों के लिए अच्छी खबर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिवान के लोग लॉकडाउन का पालन पूरी तरह से कर रहे हैं, और शायद यही कारण रहा कि ये पॉजिटिव मरीज नहीं बढ़े हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस मरीज के चलते ये लगातार संख्या बढ़ रही थी, उस मरीज का भी पॉजिटिव जो था वो निगेटिव हो चुका है। यानी दूसरी बार के टेस्ट में वो निगेटिव आया है, और तीसरी बार टेस्ट के लिए उसे पुनः भेजा सैंपल भेजा गया है। ऐसे में लगातार सिवान के लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस बना के रह रहे हैं, जो सिवान के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। और भविष्य में अगर ऐसा ही रहा तो कोरोना वायरस की इस कड़ी को तोड़ा जा सकता है, और धीरे धीरे सामान्य स्थिति हो सकती है। जरूरत है लोगों को सतर्क रहने की, जरूरत है लोगों को सजग रहने की और दूसरे को सहयोग करने की। सिवान से जी, वो 29 में खुर्शीद जिनके कारण ये संक्रमण फैलता गया, प्रारंभिक और प्राथमिक मरीज हुई थे जी, उनका दूसरा टेस्ट निगेटिव आ गया है, उनका तीसरा बार आज भेजा गया है, और अभी वर्तमान में 29 ही पॉजिटिव हैं। 4 लोगों का आज भेजा गया है जिसका रिपोर्ट कल आ पाएगा। अच्छा, अभी रिसेंटली आज कितने लोगों का निगेटिव रिपोर्ट आया है? जितना टोटल भेजा गया बाकी जो बचते हैं तो निगेटिव ही हो गए। कुल आज तक हमारे यहाँ टेस्ट जो है, टेस्टेड पेशेंट हो गए 777+781 781 को हमने टेस्ट करवाया, जिसमें 4 आज गए हैं, बाकी 777 में 29 ही पॉजिटिव आए हैं। 777 में मात्र 29 पॉजिटिव आए, बाकी निगेटिव। सर, जो लोग पॉजिटिव थे उनके लिए क्या अभी व्यवस्था की गई है? उनका दोबारा टेस्ट कब भेजा जाएगा? जी, 6ठा से 7वां दिन उनका दोबारा भेजेंगे। यदि उनका निगेटिव आता है तो फिर 24 घंटे के बाद भेजेंगे, पॉजिटिव आता है तो फिर 7 से 8 दिन के बाद भेजेंगे। सर, जो व्यक्ति जिसके चलते इतना संक्रमण बढ़ा, संख्या जो बढ़ गई है, उस व्यक्ति का भी पता चल रहा है कि निगेटिव आ गया है? जी हाँ, बिल्कुल सही। दोबारा सर ये हुआ है?